चलिए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 के बारे में, अन्य स्वरूप विज्ञान अध्याय के बारे में। देखिए काफी दिन हमारी मुलाकात हो रही है, हमने चैप्टर 5 तक बात कर ली थी, आज हम चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे। देखिए जो चैप्टर 6 है काफी बोरिंग चैप्टर है वैसे तो, लेकिन रटने का ज्यादा है, लेकिन अपन कम से कम काम काम की चीजों पर थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे और याद कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 इज द अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय। अन्न स्वरूप, अन्न मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ होता है, जो खाने वाली चीजें होती हैं, जो खाने वाली वस्तु होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका स्वरूप दिखने में कैसी होती है और उसको आचार्य ने किस किस तरीके से ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करा है, उन सारी बातों को आज हम करेंगे। देखिए हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका होता है, चाहे उसके बेस ऑफ प्रिपरेशन पर हो, चाहे उसका बेस ऑफ स्टोरेज के हिसाब से हो। उसी तरीके से हमारे आचार्य ने भी यहाँ पर 7 विभाग करे हैं। एक है सूख धान्य। सूख धान्य में उन्होंने अनाजों को रखा कि जितने भी हमारे अनाज होते हैं उसको हम सूख धान्य में डाल देते हैं। सिम्बी धान्य नंबर 2, उसमें उन्होंने दालों को रखा, जितनी भी लेग्यूमिनेसी की फैमिली की मेंबर्स हैं, लाइक चाहे अरहर की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे मसूर की हो, चाहे चने की, जितनी भी दाल होती हैं, जितना भी प्रोटीनिशियस फूड है, लेग्यूमिनेसी है, डेट इज द सिम्बी धान्य। और पक्व अन्न के अंदर कुछ ऐसी प्रिपरेशन है, अपने नाम सुना होगा पेया का, मंड का, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, लेकिन जब हम इस ग्रुप में पर्टिकुलरली जाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल अपने रूम पर चावल बना लेते होंगे, क्योंकि सब लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, जब चावल बनाते तो क्या होता है, उसमें जो पानी निकलता है, अगर चावल और पानी को अलग कर लिया जाए और आपने चावल का 14 टाइम्स वाटर ले आया, तो वो क्या हो जाता है, मंड हो जाता है, अगर सिर्फ पानी पानी है। लेकिन अगर आप उस पानी में थोड़ी सी चावल और डाल दें, मतलब सिर्फ पानी ना हो, थोड़े चावल भी, तो उसको पेया बोल देते हैं। और बताएंगे जब पर्टिकुलरली पकवन्ने की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया गया है कि पकवन्ने क्या होता है। तो मैंने आपको सिंपल कहा कि आपके पास कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे जब हम लोग पंचकर्मा कराते हैं तो पंचकर्मा के बाद हम लोगों को संसर्जन कर्म कराना होता है, जिसमें जो रोगी होता है उसके अग्नि के बल को बढ़ाने के लिए, उसके शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए हम लोग को पर्टिकुलरली डाइट को फॉलो कराना पड़ता है। मैंने कहा किसी की अग्नि बहुत कम है, या फॉर एग्जाम्पल आपको आग लगानी है, आग कभी भी बड़ी बड़ी लकड़ियों से नहीं लगाई जाती है, आग लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, छोटे छोटे तिनके चाहिए रहते हैं, पतली पतली लड़की लकड़ी चाहिए रहती है, तो कुछ तरीके का मैटर चाहिए रहता है जल्दी आग को पकड़ ले। वैसे ही जब हमारी जठर में कम हो जाती है, मंद हो जाती है, जो कि पंचकर्मा के बाद ऑब्वियसली हो जाती है, हमारे शरीर का बल कम हो जाता है, हमारी अग्नि का बल कम हो जाता है, तो उस अग्नि को बढ़ाने के लिए हमें धीरे धीरे कुछ ऐसा आहार देना पड़ता है जो लघु हो, सुपाच्य हो और आराम से पच जाए, और स्निग्ध हो और उष्ण हो। इस तरीके का आहार देना पड़ता है जो हमारी अग्नि के अनुकूल हो, अग्नि को पसंद आए और अग्नि उसको ग्रहण कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर अग्नि इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो धीरे धीरे अग्नि स्टेप अप होगी, स्टेप अप होगी, अग्नि बढ़ती जाएगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वही हम अगर स्टार्टिंग गुरु आहार दे देंगे तो जो हमारी अग्नि है वो उसको गेन नहीं कर पाएगी, उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी, तो वो हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में और एक तरीके से अपक्व आहार की फॉर्म में पड़ा रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, स्टार्टिंग में एक फॉलो करें, फॉलो करें। इसलिए देखिए जरूरी होता है कि हम लोग किसी ऐसे वैद्य के पास जाएं युक्ति के रथ हो, जिसके अंदर थोड़ा दिमाग हो, युक्ति मतलब थोड़ी बुद्धि हो, थोड़ा दिमाग हो, थोड़ा प्रयोग करना जानता हो कि हाँ अगर मैं स्टार्टिंग में गुरु आहार दे दूंगा या स्टार्टिंग में ऐसा आहार दे दूंगा, शीतल आहार दे दूंगा, वो पाचित तो नहीं हो पाएगा और पेशेंट के अंदर आम की उत्पत्ति कर देगा। और आपको तो बताया ही है कि सर्वे रोग मंदे अग्नोपी, यानी सारे रोगों का कारण क्या बताया गया, आयुर्वेद मंद अग्नि बताई गई है। अगर आपकी अग्नि मंद हो जाएगी तो उससे आम की उत्पत्ति हो जाएगी, आम की उत्पत्ति होने के बाद श्रोत अवरोध हो जाएगा, श्रोत अवरोध मतलब होता है ब्लॉकेज इन चैनल। इतनी सारी बातें हो जाएंगी, ये कोई भी बातें आप समझिएगा, यहाँ की सारी बातें पूरे अष्टांग की, पूरी संहिता की, पूरे आयुर्वेद की हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और धीरे धीरे आप इन बातों से फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, शुक धान्य, शिम्बी धान्य, पकवन, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, औषध वर्ग। पकवन के अंदर मैंने बताया कुछ ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो हमारे काम आती हैं जब हम पंचकर्मा कराते हैं, उसके बाद संसर्जन कर्म कराने में, लाइक मंड होता है, पेया होता है, विलेपी होता है, ये सारी चीजें आती हैं। मैंने मंड बताया, अगर आपको मंड बनाना है तो मंड कुछ नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपने 100 ग्राम राइस लिए, चावल लिए, अगर आप इसमें 14 टाइम्स वाटर ऐड कर देते हैं, 14 टाइम्स वाटर कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 1400 ग्राम वाटर ऐड कर देते हैं और इसको उबालते हैं, और जब चावल बन जाते हैं तो आप इसको छान लेते हैं, इस बर्तन में आप लोगों ने छान लिया, ओनली वाटर है, ओनली वाटर, तो इसी को क्या बोल देते हैं, मंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मंड बोल देते हैं। लेकिन जब इस मंड में चावल के छोटे छोटे कण होते हैं, जब इसमें चावल के छोटे छोटे कण होते हैं, तो ये मंड नहीं रहा, ये हो गया पेया, पेया।
ये बातें भी बताऊंगा जब मैं आपको पकवन पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो बस मैंने अभी आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो सके पकवन के अंदर चीजें आती हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता इनको बनाने में कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करने पड़ेगा इनको बनाने के लिए, सीधे साधे काम है, आराम से बिल्कुल बन जाती है। ठीक है, तो शुभ धान्य के अंदर मैंने आपको बता दिया ऐसी फसलें आती हैं या ऐसी चीजें आती हैं जिनके अंदर क्या लगा होता है, कुछ टूड़ लगा होता है। टूड़ का मतलब होता है एक स्पाइक लगा रहता है, जैसे कि आप गेहूं को देख लो, गेहूं को इस तरीके से देख लो, कुछ इस तरीके से स्पाइक होगा, चाहे जौ देख लो इस तरीके से स्पाइक होगा, यहाँ पर ये नुकीला पार्ट होगा। यानी कोई भी ऐसा आप सीरियल ले लो, चाहे जौ हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, इन सब में एक इस टाइप का स्पाइक होता है। स्पाइक मतलब एक नुकीला एंड, एक नुकीला किनारा होता है, इसको बोलते हैं टूक। टूक बोल लो या फिर आप शूक बोल लो, इस तरीके की बातें मतलब, तो वो आ जाता है शूक वर्ग के अंदर। सिम्बी में दाल्स वगैरह आ जाती है, मैंने बताया था लेग्यूमिनस फैमिली के मेंबर। पकवन मैंने भी आपको बताया प्रिपरेशंस। मांस वर्ग के अंदर मांस आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट जानवरों का। शाक वर्ग के अंदर हरी सब्जियां, ये सब शाक आ जाता है। फल वर्ग के अंदर फल और औषध वर्ग के अंदर औषधियां आ जाती है, हरित की हो गई, विविध की हो गई, आमल की हो गई, ये सब आपके औषध वर्ग के अंदर आ जाती है। अब एक एक वर्ग को पढ़ेंगे, देखिए क्योंकि काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि थोड़ा बीच में बिजी हो गया था मैं क्लासेस में, और अब भी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है हमारी, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की रेगुलर क्लासेस चलती हैं, प्लस हमारा ऐप है, हमारा बींग डॉक्टर ऐप है, उसमें सब कुछ अवेलेबल रहता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही साथ में हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा, इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर, इंक्लूडिंग क्लिनिकल कोर्स लाइक फार्मकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये सब हमारे पास है। और बहुत जल्दी और भी कोर्सेस हमारे पास आ जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर पर भी काम चल रहा है, पीडिया गायनी ये सब भी आने वाले हैं। कोई भी डाउट हुआ करे आप लोग इस नंबर व्हाट्सएप कर लिया करिए, 8630838731 व्हाट्सएप, या कॉल कर सकते हैं कोई भी समस्या वगैरह। बाकी आप लोग चैट सेशन में बताया करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिलहाल हम कोशिश तो यही करेंगे कि अष्टांग हृदय वाली सीरीज को कंटिन्यू रखें, लेकिन अब क्या हो रखा है कि जो एनसीआई सेम है उसने सिलेबस को चेंज कर दिया, उसके जो लेटेस्ट नोट्स हैं वो अभी फिलहाल हम बना रहे हैं, हमारी पूरी टीम बना रही है और अब उस पर लगी हुई है, और उसको हम डायरेक्ट ऐप पर अपलोड करवा रहे हैं। तो एक बार आप ऐप को डाउनलोड करें और ऐप पर खोल कर देखें, उस पर सारा जो लेटेस्ट कंटेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम पैटर्न, जो इसी साल एनसीएसएम ने बताया है हमको, उस पैटर्न के अनुसार मैं नोट्स बना रहा हूँ, हमारी टीम लगी हुई है, और उसी के अनुसार इस साल हमारी क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस बहुत जल्दी क्या कहते हैं एक हम लॉन्चिंग वीडियो भी डलवा देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकती हैं या फिर आप सीधे ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बात करता आता हूँ सबसे पहले सूप धान्य के बारे में, सूप धान्य का वर्ग। अब देखिए सूप धान्य के अंदर बेसिकली क्या आता है, मैंने लिखा था ना विद स्पाइक, जिसके अंदर स्पाइक होता है, नुकीला कोना होता है, वो सूप धान्य में आ जाता है। तो ये कह रहा है कि जिन धान्यों में सूप लगा हो, मतलब एक स्पाइक लगा हो, एक नुकीला किनारा हो, वह सूप धान्य के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली ये हेमंत ऋतु में होते हैं, हेमंत ऋतु मतलब वही ठंडों का मौसम, ठीक है, और बिना कूटे ही स्वच्छ निकल जाते हैं, वह शाली धान्य कहलाते हैं। अब इनके अंदर भी कैटेगरी बना दी, आचार्य चरक ने स्पेशल इसको डिफाइन आगे जाके करेंगे, आचार्य चरक की बात जब करेंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने आचार्य भागवत ने सिंपल कह दिया कि शूक धान्य के अंदर जो बिना कूटे ही स्वच्छ निकल जाते हैं वो शाली धान्य हो जाते हैं। तो इन्होंने शूक और शाली का अलग अलग वर्णन नहीं किया है, शूक का देखिए लेकिन शाली इसमें नहीं है, लेकिन जब आप और कोई और आचार्य का देखते हैं तो वहां पर शाली भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा बात थी, देखेंगे। इन्होंने चावल को शाली धान्य में रखा है और कहा है कि रस और विपाक में ये मधुर होता है। चावल खा के देखिएगा, कभी भी आपको खट्टा नहीं लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा, मीठा होता है चावल, स्निग्ध होता है और वृष्य होता है। वृष्य मतलब आपकी रिप्रोडक्शन पावर को बढ़ाने वाला, ठीक है, पावर को बढ़ाने वाला। उसके अलावा इससे बंधा हुआ तथा अल्प मात्रा मल निकलता है, यानी अगर आप चावल का सेवन करते हो जो मल होता है वो वेल फॉर्म्ड होता है और बहुत कम मात्रा में निकलता है। ये जो कषाय होता है इसके अंदर अनुरस होता है, मतलब जो कषाय अनुरस होता है इसका, प्लस पथ्य लघु मूत्रल और शीतवीर्य होता है। मूत्रल मतलब ऐसे ये चावल होते हैं जो मूत्र की उत्पत्ति कराते हैं, यानी अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन कम मात्रा में आता है या टॉयलेट करते हैं जलन होती है, तो उस कंडीशन में आप लोग चावल का सेवन कर सकते हो। अनरस का मतलब होता है, देखिए दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है रस, एक होता है अनरस। जो रस होता है वो पूर्णता व्यक्त होता है, पूर्णता व्यक्त का मतलब होता है जब आप स्टार्टिंग से एंड तक आपको रस महसूस होगा, जैसे चावल के अंदर मधुर रस होता है, तो आपको स्टार्टिंग भी मधुर लगेगी, मिडल ही मधुर लगेगा, लास्ट में मधुर होगा, पूर्णता व्यक्त होता है और स्टार्टिंग में इसका ज्ञान हो जाता है।
जबकि जो अनुरस होता है ये पूर्णतः व्यक्त नहीं होता है, और लास्ट में थोड़ा सा ज्ञान होता है इसका कि हाँ ये कसैला है, ये खट्टा है, ये क्या है। तो अनुरस जो पूर्णतः व्यक्त ना होता हो, जिसका ज्ञान अंत में होता वो अनुरस होता है। तो रस और अनुरस, रस क्या है, जो कंप्लीटली डिफाइंड होता है और स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिफाइंड रहता है। अनुरस जो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं होता है और जिसका ज्ञान, जिसकी नॉलेज अंत में लास्ट में थोड़ी सी हो जाती है, वो अनुरस हो जाता है। तो चावल के अंदर रस की बात की जाए तो कौन सा होता है, मधुर होता है, और चावल के अंदर जो अनुरस होता है वो कौन सा होता है, कसाय होता है। ये पथ्य होता है, पथ्य मतलब हर किसी के लिए सूटेबल होता है, ऐसा नहीं होता कि चावल अब मैं खा सकता हूँ, चावल आप नहीं खा सकते, पथ्य बताया गया है। लघु मतलब हल्का बताया गया है, और मूत्रल मतलब मूत्र को लाने वाला बताया गया है, एज अ डायूरेटिक एक्शन इसका बताया गया है, ठीक है। शीतवीर बताया गया है, ठंडा होता है। तो सारी बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं, 2 नंबर में आ सकती हैं कि चावल के बारे में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि जो चावल होता है कितना अच्छा होता है, मधुर होता है विपाक में और रस में, अनुरस में कसाय होता है, मूत्रल होता है, स्निग्ध होता है, वृश्य कारक होता है, पथ्य होता है, और मल को बंधा हुआ और अल्प मात्रा में निकालता है। अब देखते होंगे कहीं आपको बाहर ट्रेवलिंग वगैरह में जाना होता है, खैर तब तो हम चावल इसके लिए अवॉइड करते हैं रास्ते में, क्योंकि पेट भी खराब हो सकता है चावल से। ऐसी बात नहीं है पेट खराब नहीं, चावल से पेट भी जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी बहुत जल्दी कॉन्टेजियस हो जाते हैं चावल, ठीक है। अब बात करें, लेकिन जनरली जब हम चावल खाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो फीकल मैटर होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है। चावल कहते हैं ना, चावल तो पानी के बने हुए, चावल खा के जल्दी पच जाते हैं, जल्दी भूख लग जाती है। कभी अप्लाई करके देखिएगा, अगर आप 5 रोटी खाते हो, 5 रोटी जगह आप चावल खा लीजिए, चावल जल्दी पच जाएंगे और आराम से पच जाएंगे एज कम्पेयर टू रोटी या पूड़ी जो भी आप खाते हैं। फिर कह रहे हैं अब जो शाली है, शाली मतलब यहाँ पर जो चावलों के लिए कहा गया है, ऐसे धान है जो बिना कूटे स्वच्छ हो जाते हैं, चावलों को कूटना नहीं पड़ता। अब इसमें सबसे अच्छा बताया गया वो रक्तशाली बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे सबसे अच्छा बासमती नहीं है, रक्तशाली यहाँ पर बताया गया है, याद करेंगे। ये तृष्णा नाशक होता है, तृष्णा नाशक होता है, किसी को प्यास लग रही है, तृष्णा लग रही है, तो उसका नाश करने वाला होता है। और त्रिदोष नाशक होता है, त्रिदोष का नाश करने वाला होता है। और इसमें यवक को निंदित माना, ये सारे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पीजी वगैरह में सारे पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। फिर जौ के बारे में कहा गया, जो होता है रूक्ष होता है, वात की वृद्धि करने वाला होता है, रूक्ष होगा तो वात की तो वृद्धि करेगा ही, मधुर रस रहता है, मूत्र मेड्र कफ और पित्त को नष्ट करता है, यानी हमारे मूत्र के लिए अच्छा नहीं है, मूत्र को कम कर देगा मात्रा, मेड्र यानी हमारे जेनेटल्स के लिए अच्छा नहीं है, कफ के लिए अच्छा नहीं है, पित्त के लिए भी अच्छा नहीं है। पीनस श्वास काश को नष्ट करता है, पीनस मतलब राइनाइटिस, श्वास डिस्निया, काश कफ इन सबको नष्ट करता है, मल को बढ़ाता है। तो बोला भी गया है भाई, क्या कहते हैं जौ के लिए कि अगर आपको मल को बढ़ाना है, किसके अंदर मल का क्षय हो गया, पुरी का क्षय हो गया, मल नहीं आ रहा है, तो आप जौ का सेवन कराइए, मल की वृद्धि हो जाएगी। निस्सारक है, निस्सारक मतलब कोई भी इसका सार ज्यादा नहीं निकलता, मलवा ज्यादा बनाता है बॉडी में। गेहूं की बात करें तो गेहूं का सेवन हम सब लोग करते हैं, वृश्य होता है, इसमें बढ़ाने वाला, शीतल होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है, जीवन देने वाला होता है, कहते हैं ना अन्न ही तो जीवन देता है, तो अब जो गेहूं है मेनली हम गेहूं ही खाते हैं तो हमको जीवन देता है। वात पित्त कफ नाशक होता है। संधान कर होता है, संधान मतलब जोड़ने वाला होता है, कोई भी दो चाहे बोन्स हो, चाहे टेंडन हो, चाहे लेगामेंट, कोई ब्रेक हो गया तो उसे जोड़ने का काम करता है। स्थिरता कारक होता है, मधुर और वात अनुलोमक होता है, वात का अनुलोमन करता है, वात को ठीक रास्ते से निकालता है। चलिए आज के लिए इतना, देखते हैं पहला लेक्चर तक, काफी दिन बाद एक वार्म अप तरह लेंगे और ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्लासेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है और सारे कोर्सेज हैं और जो नोट्स वगैरह हैं क्लासेस है पूरी एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है। कोई समस्या होगी तो अपने नंबर व्हाट्सएप करेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी।